तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल सम डोंट, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज की यहाँ पे क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे कैसे पता चलती है किसी की है या किसी की नहीं है। मान लो कि कोई रिसोर्स यहाँ पे प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा हो, वो यहाँ पे क्या कर रहा हो, ट्रेड कर रहा हो, मतलब यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह उसका व्यापार में यूज़ हो रहा हो, तो उसके यहाँ पे क्या होगी, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो कॉटन है, कॉटन यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कपड़े बनाते हैं और कोई भी सामान बना सकते हैं, और उसके यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। जबकि जो यहाँ पे मोरल वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपने दोस्त से यहाँ पे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और अपने सोसाइटी से यहाँ पे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो इसके यहाँ पे कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, ये हमारे किस में आते हैं, सोशल वैल्यू में आते हैं। तो ये रिसोर्सेज के यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सोशल वैल्यू में है और इसको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करता, इसका कोई यहाँ पे व्यापार नहीं करता। तो आप इसका आंसर यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एनी सब्सटांस यूज फॉर प्रोडक्शन इज मार्केट ओरिएंटेड हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज यूज इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स एंड अदर गुड्स, सो कॉटन हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि हमें पता है कि जो कॉटन है वो यहाँ पे इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जिसके हम यहाँ पे कपड़े बना सकें और बाकी सामान बना सकें, तो उसके यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है और इसका हम यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे जो मोरल वैल्यूज़ होती है, हाउ एवर मोरल वैल्यूज एंड लव फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली डोंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट हैव सोशल वैल्यू। तो होप आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।